गजपति दिव्यसिंह देव तृतीय बेलर कथा। इंग्रेज मानंकर चक्रांतरे गजपति को कलापाणी दंडादेश हला। निर्वासन आंडामान ठारे थिबा समय रे महाप्रभुंकर दर्शन पाई गजपतिंकर प्राण व्याकुलित होई उठिला। महाप्रभु को स्मरण करुथिबा समय रे दिने हठात भोर देखिले समुद्र कोळरे बड़ पट्टाटी भासुछि। हठात से पट्टाटी को आश्रय करी महाप्रभुंकर नाम दी समुद्र भीतर को गजपति चालिले। विधिर विधान महाप्रभुंकर अनन्य लीला किए बा बुझिब। दिने से भासी आसी पूरी महोदधी कूल पहुँचला। गजपति बसी पटा उपरे पटाटी भासी महोदधी कूल लगला। निराश्रय हो जगन्नाथ को स्मरण करमि से आसी भासिले आसिले जाना ना मात्र जगन्नाथ ध्यान रे से निमग्न हो गले। जनश्रुति अच्छी पूरी रे से पहुँचवा पर पुणी बंदी हेले कटकर कारागार ठारे तांकु रखा गला। सेठी भी से महाप्रभुंकर दर्शन पई व्यस्त होई उठिले। दिने घन घोर वर्षण मुखर अंधार राति रे कारागार रो समस्त श्रृंखला आपे आपे खोली गला। जड़ चेतन पालटी गला, चेतन जड़ रूपांतरित हला। गजपति दिव्य सिंह देव बाहर को बाहरी आसिले सत, किंतु जीवे कुआडे। हठात अंधकार राति रे बिजुली आलुअरे से देखिले केही जने सामनारे आगे जीवा सहित तांको हातरे इंगित हेउची अनुसरण करिबाकु। आस देह तांकर सितेई उठिला। भाबिले महाप्रभु आगे आगे चालिछंति कि आउ सेई बाथ को अनुसरण करी आगो को अनुसरण करी गजपति मध्य चालिबाकु आरंभ कले। भोर बेलाकु एक निझाड़ जंगल रे पहुंची सारिथिले गजपति दिव्य सिंह देव। निकटरे कुड़ियाटी द्वार रे पथश्रांत गजपति टिके थक्का मारी बसी पड़िले। से कुड़िया थिला बाबाजी रघुवर दासंकर। कुड़िया भीतर को बाबाजी डाकी नेले। गजपति निजर परिचय देले सेठी बाबाजी दयानिधि दास बोली। शिष्यत्व ग्रहण कले रघुवर दासंकर। कुड़िया रे पूजित महाप्रभु को दर्शन करी झरझर झरझर कांदी पकाउछंती। सेठी रहीगले गजपति ढेर दिन। साधना करिबा ओ भिक्षा करिवारे दिन कटिगला गजपतिंकर। शिष्यत्व पाई बेस आनंदरे गजपति महाराज जगन्नाथ स्मरण रे दिन कटि जाउछि। किंतु मनरे आशंका। दिने मानस राज्य रे भासी उठिला से घनघोर रात्रिर अपूर्व दृश्य। महाप्रभुंकर चालिबा दृश्य को से पासोरी पारिले नाही। चिंतनरु चिंतामणि आउ टिकी हटिले बा काही। गुप्तरे पुरी को कारीगर डकाइले। प्रभुंकर पूर्णावय विग्रह को बेरुआ गाँरु दारुआणी निर्माण कले। चेतना साकर रे परिणत हला। चेतना साकार रूप नेला। प्राण प्रतिष्ठा पाई गुहारिया पड़िबारु स्वप्नादेश हला। जिए प्राण प्रतिष्ठा करिवो से आसुछि, जिए प्राण प्रतिष्ठा करिवो से आसुछि। सतक सत सकाळु सकाळु सेठारे आसी पहुँचिले केरळर जणे नैष्टिक ब्राह्मण। ना तांकर प्राण काउल प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान सरला। एक स्वतंत्र कुड़िया रे पूजा पाइले त्रिविग्रह। से स्थानटी एठे जागुलाई पाटणा नाम रे प्रसिद्ध। खोर्धा ठारु नयागढ़ दिगकु चारि किमी गला परे पड़े ए स्मृतिर गाँटी। किछि वर्ष परे ना गजपति रखी थिले ना रघुवर दास। किंतु कुड़ियाटी मंदिर रे परिणत हो जाइथिला। खंडपड़ा राजा नरेन्द्र खोलाई देइथिले नरेन्द्र पोखरी। खंडपड़ा राजंकर प्रत्यक्ष तत्वावधान रे खोला होइथिला बोली नरेन्द्र पोखरी अद्यावधि विदित। बाबाजींकर शिष्य अमृतलाभ बनार्जी महाप्रभुंकर नामरे किणीदेले 16 एकर जमी। महाप्रभु प्रसिद्ध होइगले श्री शंकरनाथ भावरे। एहि मंदिर रे एबे भी चका उपरे दंडायमान विग्रह रूपरे महाप्रभु उपासित होउछंती। हात गोड़ सबु अछि। मुहर चका आखि सतय बा चालुथिबार मुद्रा रे मुग्ध करुछि मनीष पणिया को। महाप्रभुंकर अपूर्व लावण्यमय रूप देखिले मन पुल्लकित आउ आनंदित हो जाए। सतरे विचित्र विस्मय विचित्र विग्रहंकर ये विस्मयपूर्ण लीला। ये विस्मयपूर्ण लीला को मानवत चक्षुरे देखि पारिबनी, देवता मध्य जानी पारिलेनी।
आउ भगवानंकर भावरे केवल बिगलित होबा ही केवल बिगलित होई आशीर् आखिरु दुई धार लुह गडाइबा छड़ा आउ कौन बा होई पारे। रहुची जय जगन्नाथ।